बारोन के क्रांतिकारी युवा संगठन AIDYO की राज्य कमेटी के आह्वान पर बेरोजगारी के खिलाफ व रोजगार की मांग एवं आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों की भर्ती को लेकर 6 जनवरी को प्रदेश व्यापी मांग दिवस के रूप में मनाया गया। आपको बता दें कि जिला सचिव नीरज बैरागी प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब जानते हैं कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और सत्ता आते ही नवगठित कांग्रेस सरकार ने शिक्षकों की संविदा भर्ती पर रोक लगा दी है। AIDYO मांग करता है कि प्रदेश भर में शिक्षकों के करीब 1,00,000 के आसपास पद रिक्त पड़े हुए हैं, अविलंब पर्याप्त संख्या में स्थायी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। रोजगार न मिलने के कारण आत्महत्या की ओर कदम उठा रहा है। तो साथियों, आज हम इस सरकार से यही मांग करते हैं कि तमाम खाली पड़े पदों पर तुरंत भर्ती की जाए। इसी मांग को लेकर युवा प्रदर्शन DYO प्रदर्शन कर रहा है और आगे की बात रखने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में क्रांतिकारी युवा संगठन आरोन इकाई के नगर उपाध्यक्ष जतन जी को भी। जतन जी आए और अपनी बात रखें। जी, आज हम क्रांतिकारी युवा संगठन DYO के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में प्रदेश व्यापी मांग दिवस मना रहे हैं कि जो शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा पर रोक लगाई गई है उस परीक्षा को तुरंत कराया जाए और जितने विभाग हैं, शिक्षा विभाग और अस्पताल, इन सभी में जितने पद खाली पड़े हैं उन सभी में जल्द से जल्द स्थायी भर्ती किया जाए। जब तक स्थायी भर्ती नहीं की जाती, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जाता, तब तक जीवन आपका मुद्दा आउटसोर्स को लेकर के है क्या? आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के है? हम तमाम तरह के कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। हम पूरी तरह से ठेकेदारी प्रथा को बंद करना चाहते हैं ताकि स्थायी किया जाए, ताकि जीवन भी सुरक्षित हो और रोजगार नहीं मिले जब तक सरकार अपनी संविदा वाले भी हैं, आउटसोर्स वाले भी हैं, किस मुद्दे को उठा रहे हैं? संविदा वालों को भी स्थायी किया जाए और आउटसोर्स वालों को भी, सभी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए।